वेलकम बैक टू अनदर मोटो ब्लॉग। और आई होप सब लोग मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और आप सभी को मेरा प्रणाम आदाब और सत श्री अकाल भाई लोग। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे आए हैं, तो आप पेट्रोल भरा रहे थे क्योंकि इसमें पेट्रोल थोड़ा कम है, तो पहले पेट्रोल भराएंगे और फिर चलेंगे इस लंबे से लॉन्ग ड्राइव से। देखो जगह खाली है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी नहीं तो पेट्रोल भरा देता हूँ। अरे भाई पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं भैया, 500 का डाल दो पेट्रोल, 500 का डाल दो, काफी ज्यादा हो गया, गिरा रहे हैं आप, उनको दे दो। जितना मेरे ध्यान में है, जितनी मेमोरी है मेरे पास में, उसमें उतने मेमोरी से मैं अपने बता रहा हूँ कि एक टाइम था जब मैं काफ़ी मतलब वही 6-7 अराउंड 8-9 होंगे, या फिर मैं जब बाइक चलाना सीख रहा था तब पेट्रोल, जब मैं बाइक चलाना सीख रहा था तो अराउंड में 10-12 में था, तब पेट्रोल का रेट था 70-71 रुपीज़ लीटर, ठीक है, और आज 98 रुपये। बाप रे भाई, मतलब कितना बदलाव हो गया। और उसके पहले जब मैं नई बाइक चलाता था तो फिर भाई 60 रुपया 65 रुपया ऐसे साल पेट्रोल लीटर, लेकिन भाई अब देखो अब तो एकदम सोना हो गया, काला सोना हो गया, 98 रुपये लीटर हो गया। तो भाई टाइम बदलता है, देखो टाइम बदलता है, ये है अच्छे दिन, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट इतने अच्छे दिन मैंने अभी तक देखे नहीं अपने लाइफ में, ठीक है। इतने अच्छे दिन है तो लोगों को तो करना तो पड़ेगा ही, वरना इन सब के बिना लोगों के काम रुक जाएंगे। सामने देख रहे हो बच्चा नहीं चौर जाते, ये सब सिर्फ इंडिया में होता है, ठीक है, ये सब सिर्फ इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि देखो अभी अभी मान लो ठीक है ये ऐसे लेके जा रहे हैं कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो और ये ऐसे रहती हैं, बच्चा हाथ से छूट गया तो फिर कितना खतरनाक हो सकता है। तो कम से कम उसको बीच में बिठा सकते हैं, बस नहीं उसको कहते हैं देसी जुगाड़ ही करेंगे, और देसी जुगाड़ के चलते आजकल इंडिया में एक्सीडेंट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो समझे यानी को बीच में निकालो, ओ भाई आगे भी फोर टीचर बना दिया भाई, देख रहे हो यही जुगाड़ होता है, स्कूटी ले लिया मतलब फोर टीचर बना दिया उसको। इंडिया में जुगाड़ों की कमी नहीं है, अगर एक स्कूटर है तो वो स्कूटर नहीं वो फोर टीचर हो जाएगा, और इनको कौन समझाए कि स्कूटर मतलब टू सीटर होता है भाई, दो लोग बैठो आराम से, लेकिन नहीं इनको उसको बनाना है फोर सीटर भाई। तो ये है लखनऊ का गीतापल्ली कॉलोनी। तो अभी मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, सेकेंड टाइम आने के बाद हम मैं एक्सप्लोर करूँगा ये रास्ते जाते कहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली जाते कहाँ पे हैं, क्योंकि भाई यही कर सकते हैं, ठीक है, यही कर सकते हैं। जाएगा कहाँ पे रास्ता भाई, रोड देखो ऐसे ऐसे रास्ते का तेल नहीं तो भारत सरकार के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये खड्डे भारत सरकार की पहचान है, ये जो रास्ते में जो खड्डे होते हैं ना ये भारत सरकार की पहचान है और ऑफिशियल देन है, ठीक। यहाँ पे काम पहले नहीं होता है, यहाँ पे काम देखो रोड बन जाता है, अरे जाओ 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 दो बार रुकोगे रोड पे तो तुम से क्रॉसिंग करोगे, ठीक। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है जो इंसान को लेना चाहिए भाई। जिसने भी कहा लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में जाओ वहाँ पे बोल भैया, मैं बोलता हूँ एक नए इंसान को गीता पल्ली के सोसाइटी में छोड़ दो, ठीक है, जो गीता पल्ली एरिया है ना वहाँ पे उसको छोड़ दो। मैं लिख के देता हूँ 100% लिख के देता हूँ, वो इस इंसान को जहाँ पे छोड़ा है ना वो वहाँ से रिटर्न नहीं आ जाएगा, ठीक है, उसको ला के सेंटर में रख दो। जैसा कि मैं था, मैं देखो कहाँ से गया था, मैं गया था इसके अपोजिट साइड से, लेकिन अब कहाँ पर निकला हूँ भाई आलमबाग बता सकते थे, देखो तो ये भूल भुलैया है, यहाँ पे जो पहली बार आएगा वो इस भूल भुलैया में गायब हो जाएगा, जब तक पूछेगा नहीं तब तक निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे भूल भुलैया में ला के छोड़ दो अपने दोस्त को, ठीक, उस भोसड़ी वाले को छोड़ दो, उसका वजन 10-11 किलो आराम से कम हो जाएगा, डेली ला के छोड़ दो साले को, 3 दिन ऐसे करो ना 10-11 किलो वजन कम हो गया तो बोलने का ताले का मुँह चिपका दे, ठीक है भाई। देखो यार ऐसा ना क्या करो भाई, छोटी सी बच्ची है कम से कम उसको ढक तो लो यार, अभी अभी वो पैदा हुई है, 12 दिन की लगी नहीं हुई है, उसको धूप लगती होगी। ऐसे उसको दिखा कर रखती है भाई, ऐसे उसको कौन बिठा रहता है, ऐसे उसको ढक लो, उसको धूप लगती होगी, बस नहीं बोल दूँ क्या मैं, बस यही है कि बुरा लगेगा कि बोल रहे हैं
थोड़ा तो बता रहे हैं, धूप धूप आई, धूप इतनी तेज रहती है, मुझे इतनी गर्मी हो रही है, बच्चों को इतनी गर्मी, मस्त आराम से सो भी रही है। बस भाई ऐसे माँ बाप भाई, ऐसी माँ भाई अपने दुनिया में ही अपने धुन में ही मगन है, और वो बच्चा धूप में ऐसी पड़ा है। कम से कम उसको कवर कर लो, कवर करने के बाद में अगर गर्मी लगेगी तो हटा देना यार, पत्थर तो कवर करके रख ही सकते हो ना। ट्रैफिक भाई, मैं यहाँ के ट्रैफिक से परेशान हो चुका हूँ, और ट्रैफिक से इतना ज़्यादा ट्रैफिक का बोलो मैं भाई, ट्रैफिक से तो मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, यहाँ का ट्रैफिक मेरे को बिजी कर रखा है। देखो कितने लोग बैठे एक भाई से, एक दो तीन चार पाँच और छः भाई। देखा मैं अभी कह ही रहा था कि अर्टिगा होती और अगर बाइक होती तो क्या होता, वहाँ पर तो खाली चलो चार लोग थे, यहाँ पर छः लोग थे। इससे अच्छा भाई इन लोग स्कूटर को बना लें सिर्फ डिज़ायर, और बाइक को बना लें अर्टिगा, तो ये ट्रैक होना चाहिए, और ये ट्रैक से इंजन के पास में होता है और कहीं से नहीं दिखने लगा। आप इंडिया के कोने में कहीं से भी चले जाए तो इंजन से ट्रैक दिखेगा, चाहे मुंबई हो गया, चाहे एमपी हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे जहाँ पे हो गया, आपको ये ट्रैक हर जगह देखने मिलेगा। कि आज हम लोग निकले थे थोड़ा मूड सही करने, और मूड को थोड़ा ट्रैक छो गया थोड़ा बहुत, पहले से तो डाउन ही है, बट ठीक है, ये जैसे थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया थोड़ा, मैंने सोचा कि चलो जितना पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, और एक्सप्लोर भी किया, बट वहाँ पे कुछ इतना एक्सप्लोर करने लायक था नहीं, क्योंकि भाई एक बात समझ में आ गई है कि जितना पहले अगर एक्सप्लोर करना है तो आपको मतलब यही है कि आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए तो आपको घर वर दिखेगा, छोटे मोटे छोटे मोटे बड़े छोटे बड़े छोटे छोटे घर दिखेंगे आपको, ऐसे ही घर दिखने वाले हैं आपको, घर कुछ दिखेगा नहीं। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो इन्जॉय किया होगा, ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, और अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई एक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो। ये देखो भाई मेरा मोटिवेट करता है, थोड़ा फेस भी गड़बड़ है, तो सब कुछ गड़बड़ होने के बाद में भी मैं आया यहाँ पे, क्योंकि तो मुझे भी डेली कुछ ना कुछ अपलोड करने के लिए चाहिए, और मुझे ये चाहिए कि जो लोग देख रहे हैं ना वो लोग भी इन्जॉय करें, ठीक, तो वो लोग भी इन्जॉय करें, मुझे ये चाहिए। तो फिलहाल ये देखो अभी हम लोग आ गए अपने घर की ओर, और मेरी अपनी बात तो देखो यहाँ से वाई है, वेदर ही ऐसा हो गया और ऑलमोस्ट सीजन आ गया, हम लोग का तो फूल आ चुके हैं, तो सबसे चीज़ यही मेरे को लगती है कि फूल आ गए हैं तो ये अच्छा लगता है देखते वाली भी, क्योंकि भाई अगर घर से चले जाऊँगे तो उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और ये सबका भाई खुशबू भी बहुत बुरी है, क्योंकि अगर जिम्मी बाहर बैठी रहती है तो ये सब आठ लोगों का गैंग बना के वहाँ पर आ जाते हैं और जिम्मी को घेर के काटने की कोशिश करते हैं। बट अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकलता हूँ तो थोड़ा बहुत भगा देता हूँ लोगों को, क्योंकि अब मैंने अपना एरिया डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये मेरा एरिया, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तो इससे मेरी जिम्मी सेफ्टी रहेगी, तो जैसे कोई आता है एक तो पत्थर से उसके मारता हूँ, भले लगे या ना लगे इससे मतलब नहीं है, बट हटा देता हूँ लोगों को। तो आई होप आप लोगों ने ब्लॉग इन्जॉय किया हो, तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरी अपनी जिम्मी है, जिम्मी तेरे आंसू सूख गए, जीवी तेरे आंसू सूख गए, तो चलो भाई करते हैं ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।